आकर एंजॉय करके खाली पुतले देखकर डांस देखकर अगर हम चले गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो श्रामला करने का पर्पस जो होता है, जो मतलब होता है, मतलब से इतना ही है कि जो संदेश राम जी ने दिया है हमें, वो संदेश हमें अपने उतारना भी है, हमें धारना भी है। हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक हमने आपको दिखाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, भाइयों का सम्मान करो, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, ये सब चीजें हमने अपने जीवन धारनी है और ये सब करना है। अभी ये सब करने का फायदा होगा, खाली यहाँ पर आए, डांस किया, एंजॉय किया, दशहरा मनाया, चले गए, सो गए और फिर कल से व्हाट्सएप में लग गए तो कोई फायदा नहीं है उसका। पर राम भी खुश होंगे नहीं, वो तभी खुश होंगे जब आप रामायण में जो दिया गया, रामायण के अंदर जितने भी करेक्टर हैं, आप शुरू से देख लो, श्रवण कुमार से अगर आप शुरू कर दोगे, श्रवण कुमार, दशरथ, प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, सभी के सभी ऐसे करेक्टर हैं, इससे आपको खुद प्रेरणा मिलती है, त्याग की भावना मिलती है।